नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर के ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर चुका हूँ। तो यहाँ पर गजरा राजा मेडिकल कॉलेज द्वारा जो है के अंतर्गत आपसे बाल एवं शिशु रोग SNCU एवं शिशु रोग शल्य क्रिया इकाई RBSK के अंतर्गत संविदा आधार पर जो स्टाफ नर्स और रोटरी टेक्नीशियन के रिक्त पदों हेतु आपसे आवेदन मांगे गए थे, उन पदों को निरस्त करने के संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही में पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की जाने वाली किसी भी प्रकार की नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन कर चुका हूँ, इसमें आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएंगे, ड्रॉप इसको स्क्रॉल डाउन करिए नीचे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले एक आता है ये जो नोटिस बोर्ड आप देख रहे हैं, इस नोटिस बोर्ड में जो सबसे पहले एडवर्टीजमेंट नंबर फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स एंड OT टेक्नीशियन, ये जो है ये एक इन्फॉर्म आपको एक नोटिस जारी की गई है। इस लिंक पे हम क्लिक करेंगे, जो नोटिफिकेशन आई है इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर एक हमारे सामने PDF फाइल होके उनके गूगल ड्राइव से आ जाएगी, जो कि है कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वशासी गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश द्वारा। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे ऊपर क्रमांक संख्या पड़ा है, लेटर नंबर और डेट पड़ी है 22/6/2021, और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो दिया हुआ विज्ञप्ति निरस्त सूचना। तो यहाँ पर जो हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो है, यहाँ पर जो गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर के अंतर्गत जो बाल एवं शिशु रोग शल्य क्रिया इकाई के अंतर्गत जो स्टाफ नर्स और OT टेक्नीशियन के रिक्त पद थे, उनके संबंध में जो आपसे आवेदन प्राप्त किए गए थे, उस विज्ञप्ति उस नोटिफिकेशन को निरस्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दिया हुआ है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पत्र क्रमांक इतने और डेट ये दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई। फिर गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर के अंतर्गत बाल एवं शिशु रोग SNCU एवं शिशु रोग शल्य क्रिया इकाई RBSK के द्वारा संविदा आधार पर स्टाफ नर्स एवं OT टेक्नीशियन के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ये विज्ञप्ति जारी की गई थी। उसके निम्नानुसार जो जारी विज्ञप्ति जारी हुई थी, यहाँ पर दिया हुआ है किस जो बाल एवं शिशु रोग SNCU एवं शिशु रोग शल्य क्रिया इकाई RBSK के अंतर्गत जो स्टाफ नर्स और ऑपरेशन थिएटर के पद थे, यहाँ पर उनका डिटेल दिया हुआ, स्टाफ नर्स के जो 29 पद थे और ऑपरेशन थिएटर के 4 पद थे, जिसमें कैटेगरी वाइज डिटेल भी दिया हुआ है। और तो स्टाफ नर्स में यहाँ पे 588 आवेदन किए गए थे और ऑपरेशन थिएटर के 4 पदों के लिए 15 आवेदन किए गए थे। तो यहाँ पर जो उपरोक्त विज्ञप्ति जारी की गई है, ये इसके निरस्ती के संबंध में निरस्त कर दिया गया है इसको। तो निरस्तीकरण के संबंध में जो कारण दिए गए हैं वो यहाँ पे कारण आप देख सकते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है मध्य प्रदेश शासन प्रशासन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के ज्ञापन क्रमांक संख्या इतने में आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए जो है शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं शासकीय नौकरियों में 10% आरक्षण का स्पष्ट उल्लेख है, जो कि पूर्व की विज्ञप्ति पद में आरक्षित नहीं होने के कारण विज्ञापन निरस्त किया जा रहा है। यानी कि जो 10% का आरक्षण है आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए, उसकी पूर्ति यहाँ पर नहीं की गई, इस कारण से यह रिक्तियाँ निरस्त की जा रही हैं। दूसरा दिया यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ, आवर सचिव मध्य प्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के ज्ञापन संख्या इतने इतने इतने, और यहाँ पे जो दिया हुआ है, फिर दिया है यह शासकीय स्वशासित चिकित्सालय महाविद्यालयों व अन्य संस्थाओं यथा मानसिक आरोग्यशाला ग्वालियर एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में रिक्त नर्सिंग संवर्ग के पदों को भरने हैं तो शासकीय नर्सिंग स्कूल अवलिक शासकीय स्वशासित नर्सिंग महाविद्यालय से उत्तीर्ण उम्मीदवारों से पद की पूर्ति किए जाने की निर्देश प्रदान किए गए, इस कारण यह विज्ञापन निरस्त किया जा रहा है। तो दूसरा कारण यहाँ पे दिया, और तीसरा कारण आप देख रहे हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल द्वारा उक्त पदों
को नवीन वर्ष 21-22 की स्वीकृत प्राप्त नहीं होने के कारण उक्त विज्ञापन को निरस्त किया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जो है इन पदों को स्वीकृति नहीं प्रदान की गई, इस कारण यह विज्ञापन निरस्त किया जा रहा है। फोर्थ पॉइंट आप देख रहे हैं, उक्त विज्ञप्ति निरस्त होने के कारण जिन उम्मीदवारों ने आवेदन पत्र के साथ डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत किए थे वो उम्मीदवार निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन शुल्क वापसी हेतु तो आवेदन पत्र निरस्त विज्ञप्ति जारी होने से 6 माह तक आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। यदि 6 माह बाद आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो आवेदन पत्र शुल्क वापसी पर कोई विचार नहीं किया जाए। आवेदन पत्र का जो प्रारूप दिया हुआ उसमें नीचे संलग्न है, आप वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, उस यही चीज़ आप वहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे जो है दिया गया कि हाँ जिन भी लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किए थे, आवेदन के साथ जो डिमांड ड्राफ्ट सबमिट किया था उसकी वापसी है तो जो निर्धारित प्रपत्र दिया हो उसको फिल करके जो डॉक्यूमेंट्स लगने हों वो डॉक्यूमेंट लगा कर आप 6 महीने के अंदर अंदर अपना पैसा वापस करने की है तो आवेदन कर सकते हैं, और 6 महीने बाद यदि आप ऐसा करते हैं तो उसको वापस नहीं किया जाएगा, उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। फिर यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट दिया है, आप देख रहे हैं विज्ञापन निरस्त संबंधित समस्त जानकारी गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर की वेबसाइट www.grmcgwalior.org पर उपलब्ध है। तो जैसा कि मैंने अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके जहाँ से डाउनलोड किया था वहीं से आप देख सकते हैं, यही सेम चीज़ आपको मिल जाएगी। फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं थर्ड, यहाँ पे आ जाएं थर्ड पेज पे, यहाँ पे आप देख रहे हैं शुल्क वापसी हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र, तो यहाँ पे प्रारूप दिया हुआ है, इसी प्रारूप पर आप शुल्क वापसी हेतु आवेदन करेंगे। यहाँ पे विषय भी डाल दिया गया है, विज्ञापन निरस्त होने के उपरांत आवेदन शुल्क हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने बाबत, यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया गया है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पर अपना नाम, पापा का नाम या पत्नी का नाम या पुत्र पत्नी पति जिसका भी नाम हो वो डाल सकते हैं। आपने किस पद के लिए अप्लाई किया था, ओटी टेक्नीशियन या स्टाफ नर्स के लिए, आपकी श्रेणी क्या है ओबीसी जनरल एससी एसटी जो भी है आपकी, डिमांड ड्राफ्ट का नंबर यहाँ पे आपका पड़ जाएगा, डिमांड ड्राफ्ट की डेट पड़ जाएगी, कितने रुपये का डिमांड ड्राफ्ट था वो उसकी डेट उसका जो निर्धारित शुल्क थी वो यहाँ पर पड़ जाएगी। फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं लास्ट में यहाँ पे आपको आपका बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे आप डालेंगे, उस बैंक का अकाउंट नंबर आप अपने बैंक का अकाउंट वो आईएफएससी कोड नंबर डालेंगे और ब्रांच नंबर डालकर ये पत्र 6 महीने के अंदर आप निर्धारित डॉक्यूमेंट जो दिए गए हैं ये आवेदक का बैंक पासबुक की छायाप्रति होने चाहिए, पैन कार्ड एवं आधार की छायाप्रति, मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी नंबर ये आपको भर के यहाँ पे आप लास्ट में अपना नाम पता आधार नंबर पैन कार्ड नंबर ईमेल आईडी वगैरह सब फिल करके उपरोक्त जो इनके जो आवेदन का है ये आप यहाँ पे अधिष्ठाता गदरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश को भेज सकते हैं और 6 महीने के अंदर इसको ही भेजना है आपको, इसके बाद आपके शुल्क वापसी पर विचार नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर दी है, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।